निषाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी रैलियों में लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमले बोले तो दोनों नेताओं ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। लालू और नीतीश भी पहले चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया तो लालू ने भी खगड़िया की रैली में कहा कि महागठबंधन भारी बहुमत से सत्ता में आ रहा है। नीतीश कुमार ने भी गया में रैली कर पीएम की बातों का जवाब दिया और फिर से सत्ता में आने का भरोसा जताया। नीतीश ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया, ये लोग हमारे साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लालू जी का चेहरा दिखा के क्या जंगल रात था। हमने एक एक बात आपके सामने रख दिए, अपराध के आंकड़े रख दिए। वहीं प्रचार के लिए कांग्रेस के भी तमाम नेता बिहार में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी तमाम सर्वेक्षणों को गलत करार देते हुए कहा है कि नीतीश की अगुवाई वाला गठबंधन ही सत्ता में आएगा। बिहार के विधानसभा में जो महागठबंधन है आरजेडी का, जेडीयू का, कांग्रेस का, वो उस गठबंधन को पूरा बहुमत मिलेगा और सरकार बनाएगी। इस बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एफआईआर पर विरोध दर्ज कराया है और कहा कि उनके बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन से मिला, उनको अवगत कराया पूरा फैक्ट्स और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया तुरंत इसके ऊपर जांच होना चाहिए, एफआईआर वितरण करना चाहिए। जो अधिकारी दबाव में आके काम कर रहे उनके बारे में भी इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन था। गुरुवार को ही पांचवें और अंतिम चरण की अधिसूचना भी जारी होने के साथ नामांकन भरने का काम शुरू हो गया। इस चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और उम्मीदवार 19 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिले में पांचवें और अंतिम चरण का चुनाव होगा। न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।